सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोडो हित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी J5 Plus के बारे में। तो आप लोगों को तो सैमसंग गैलेक्सी J7 Plus के बारे में पता चल ही गया होगा कि उसमें आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने मिलने वाला है, और जितने भी स्पेस है मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया हूँ। तो अब बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी J5 Plus नाम करके भी एक स्मार्टफोन आ रहा है सैमसंग की तरफ से, जहाँ तक मुझे अभी सुनने में आया है। तो बताया जा रहा है कि ये एक मिड रेंज फ़ोन होगा, जैसे कि आपको 15,000 से 17,000 के बीच में इस फ़ोन की प्राइस हो सकती है, और इसमें भी आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। तो ये अभी तक कुछ लीक्स निकल के सामने ही है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ऐसे सुनने में आया है कि ये जो फ़ोन है वो मोटो के G5S Plus, MI A1 और Redmi Note 4 से टक्कर लेने के लिए ये फ़ोन लॉन्च करने जा रही है। तो देखते हैं कि ये फ़ोन कब आते हैं और इसमें हमें क्या स्पेस देखने को मिलता है। तो अच्छा होगा अगर आप सैमसंग ये फ़ोन अपना मिड रेंज फ़ोन लॉन्च करे जिसमें आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिले, और साथ में इस फ़ोन की प्राइस हो सकती है 15,000 से 17,000 के बीच में। तो एक अच्छी बात है अगर सैमसंग इस फ़ोन को जल्दी लॉन्च करती है, क्योंकि बाकी जो कंपनी वो हमें इसी प्राइस में अच्छे फ़ोन्स दे रही है। तो देखते हैं कि सैमसंग ये फ़ोन कब तक लॉन्च करता है। बताया जा रहा है कि उसमें आपको 5.2 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा और साथ में 3 GB की रैम देखने को मिलेगी। अभी तक चिपसेट कौन सा है वो पता नहीं चली है। एंड्रॉयड का नुगट मिलेगा और बैटरी शायद आपको 3000 mAh की, लेकिन ये बैटरी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती है। तो देखते हैं कि सैमसंग J5 Plus कब तक लॉन्च करता है, इंडिया में कब आता है। आप लोगों को पता है कि J7 Plus भी अभी तक इंडिया में नहीं आया है, लेकिन अभी सिर्फ ये 2 देश में ही अवेलेबल हुआ है, एक है थाईलैंड एंड दूसरा है मलेशिया। तो देखते हैं कि J7 Plus भी इंडिया में कब लॉन्च करती है और J5 Plus कब इंडिया में आता है, क्योंकि इसमें आपको सैमसंग का ब्रांडिंग मिल जाएगा और साथ में आपको सैमसंग की तरफ से डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। अभी मैं बात करूँ तो इंडिया में अभी सैमसंग की तरफ से एक भी मिड रेंज फ़ोन नहीं है जिसमें आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिले। तो अगर ये फ़ोन इंडिया में जल्दी लॉन्च करते हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि मोटो का G5S Plus है, मोटो का G5 Plus है, उसके बाद शाओमी का A1 है, इन सब में हमें टक्कर देखने को मिलेगी। तो अच्छा है, लेकिन आप लोगों को पता है कि सैमसंग की जो ब्रांडिंग है उससे लोग ज़्यादा आते हैं, और सैमसंग के जो फ़ोन होते हैं वो हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट में देखने को मिलती है। जबकि मोटो की बात करें तो मोटो का जो फ़ोन है वो सिर्फ ऑनलाइन में ही अवेलेबल है, जो कि G5S Plus है, और MI A1 भी ज़्यादातर ऑनलाइन में ही अवेलेबल है। तो अगर ये फ़ोन आती है तो कन्फर्म है कि इन दोनों में टक्कर देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है कि सैमसंग की जो ब्रांडिंग की वजह से सैमसंग का फ़ोन हिट रहने वाला है। तो देखते हैं कि सैमसंग J5 Plus को कब लॉन्च करती है और किस प्राइस पॉइंट में इंडिया में लॉन्च करती है। तो मुझे फ्यूचर में अगर कोई भी अपडेट आता है, न्यूज़ आता है, तो तुरंत आपको हमारे चैनल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना आप बाकी अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चल जाए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप हमारे चैनल को, और इसी तरह से डेली टेक वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली इसी तरह से हेल्पफुल टेक वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोस, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।